ये कहानी मेरे दोस्त सुमित कुमार के दादा लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह की है। उनकी पोस्टिंग पंजाब में हुई थी, लेकिन साल 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो उन्हें उस जंग में हिस्सा नहीं लेने दिया, जिससे वे काफी निराश रहने लगे। 2 साल बाद उनकी पोस्टिंग कश्मीर के एक छोटे से गांव तितवाल में हुई थी। उस समय आज की तरह वहां पर कोई सुविधा मौजूद नहीं थी, बल्कि एक घना जंगल हुआ करता था, जहां दुश्मनों का छुपना बिल्कुल आसान था। जिस जगह उनकी पोस्टिंग हुई वहीं पर 1965 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी। उनको चार्ली कंपनी में तैनात किया गया था। एक दिन उनको पेट्रोलिंग के लिए ऑर्डर्स मिले और उनको बेस कैंप से लेकर पूरे जंगल की पेट्रोलिंग करनी थी। उन्होंने अपने साथ 8 जवान लिए और पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़े। दरअसल उनका मिशन था जंगल की छानबीन करना और अगर कोई दुश्मन हो तो उसे खत्म करके बेस को खबर देना। उनके साथ यूनिट के बेहतरीन जवान थे। पहले दिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आराम से कैंप लगाकर पूरी रात गुजारी और अगले दिन दोबारा पेट्रोलिंग पर लग गए। उनका मिशन लगभग 2 हफ्तों का था और ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए और उन्हें जंगल में कोई नहीं मिला। उन्होंने तलाश जारी रखी, लेकिन 6 रात को जब वे लोग कैंप लगाकर सो रहे थे तो उन जवानों में से 2 को कैंप की रखवाली के लिए जागने को कहा गया। रात को करीब 2:30 बजे सिपाही राम सिंह ने झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट महसूस की। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि झाड़ी के पीछे एक फौजी का हेलमेट नजर आ रहा है। वह जोर से चिल्लाया। गुरमीत सिंह चौंक कर उठे और सारे जवान भागकर राम सिंह के पास पहुंचे। फिर राम सिंह ने बताया कि उस झाड़ी के पीछे शायद कोई फौजी छिपा है। वो सब साथ में आगे बढ़े और देखा कि वहां कुछ नहीं है। राम सिंह पूरे विश्वास के साथ बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बातों का किसी ने विश्वास नहीं किया और यह कहकर टाल दिया कि शायद ये उसका वहम हो सकता है। गुरमीत सिंह उससे बोले कि राम सिंह, तुमने फालतू में हम सबको जगा दिया, चलो अब सब वापस चलो। लेकिन साथ ही साथ मन ही मन में गुरमीत जी और उनके साथी सावधान हो गए थे। वो समझ गए कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगले दिन वो वहां से आगे निकले। दिन भर की पेट्रोलिंग के बाद रात में दोबारा कैंप लगा और 2 जवानों की ड्यूटी कैंप की रखवाली के लिए लगाई गई। रात में दोबारा वैसा ही हुआ। ड्यूटी पर तैनात एक सैनिक को कुछ ही दूर दोबारा कोई दिखाई दिया तो उसने भी आवाज लगाई। एक बार फिर सबके सब उसके पास पहुंचे और पूछा कि क्या हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक तरफ इशारा किया। जब सब लोगों ने उस दिशा में देखा तो कुछ साफ साफ नहीं दिखा, बस अंधेरे में एक परछाई दिखाई थी। इस बार वो परछाई सबको दिख रही थी और धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। वो सब चौंक गए कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। जब वो परछाई उनके बहुत करीब आई तो गुरमीत जी ने लालटन ऊपर की और उन्हें उसका चेहरा साफ साफ दिखने लगा। वो कोई परछाई नहीं, बल्कि उनकी तरह एक फौजी था। उसने जैसे ही गुरमीत जी की रैंक देखी तो उसने उन्हें सैल्यूट किया। गुरमीत जी ने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तब उसने कहा कि साहब, मेरा नाम नवनीत सिंह है, मैं पंजाब का एक सैनिक हूँ। तब गुरमीत जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उसने कहा कि साहब, मैं यहाँ जंगल में खो गया हूँ और रास्ता ढूंढ रहा हूँ। इस तरफ रोशनी दिखी तो मैं यहाँ आ गया। तब गुरमीत जी बोले, ठीक है, तुम हमारे साथ चलो और जब हम बेस कैंप पहुँचेंगे तो वहाँ से तुम्हारी बैटलियन को संपर्क करके तुम्हें वापस भेज देंगे। फिर वो सब वापस कैंप में आए और सो गए। अगले दिन वो सब दोबारा पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़े। रात के समय सब लोग कैंप फायर जलाकर खाना खाने लगे। तब नवनीत सिंह उन्हें ये बताने लगा कि इसी जगह साल 1965 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय यहाँ पर 120 लोग तैनात थे,
लेकिन दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया और उस वक्त दुश्मन के पास 1000 की सेना थी। लेकिन जब उन 120 वीरों ने अपना साहस दिखाया तो वो पाकिस्तान की 1000 की सेना पर भारी पड़े। बदकिस्मती से वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं था। पाकिस्तानी सेना युद्ध की पूरी तैयारी करके आई थी, लेकिन हमारे फौजियों के पास गोला बारूद बिल्कुल ना के बराबर था और नतीजा वही हुआ कि वो हार गए और पाकिस्तानी सेना जीत गई। उन्होंने इकलौते बचे भारतीय सैनिक को पकड़ लिया, लेकिन उस सैनिक ने अपने पास एक ग्रेनेड छुपाया हुआ था और जब उसे गिरफ्तार किया तब पाकिस्तानी मुश्किल से 100-200 बचे होंगे। वो लोग वहां पर कई सारे ट्रक भर भर कर बारूद लाने लगे और उस बारूद को एक जगह इकट्ठा करने लगे। जब उन्होंने सारा बारूद इकट्ठा किया तो वह जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन उस अकेले बचे फौजी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने तय कर लिया कि आज वो इन सबको ख़त्म करके ही मरेगा। उसने अपनी पूरी जान लगाई और सरकते सरकते बारूद के पास पहुंच गया। उसने जैसे तैसे रस्सी खोली, छुपा हुआ ग्रेनेड निकाला और जोर जोर से चिल्लाया और ग्रेनेड की पिन खींच दी। उसकी आवाज़ सुनकर पाकिस्तानी फौज भी वहां पर आई और तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें फौजी के साथ सारे पाकिस्तानी ढेर हो गए और बचे हुए भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि हिंदुस्तानी फौज ने उन पर आक्रमण कर दिया है। नवनीत की इस कहानी को सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोज की तरह सब लोग अगले दिन पेट्रोलिंग के लिए निकले, लेकिन उस दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे और अंधेरा सा था, इसलिए वो सब लोग हर एक कदम ध्यान से रख रहे थे। तभी नवनीत ने सबको रोक दिया और बोला, साहब आपके लिए आगे जाना सही नहीं है और आपके साथियों के लिए भी नहीं। गुरमीत जी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है वहां? फिर नवनीत ने उन्हें बताया कि साहब यह वही जगह है जहां पर उस फौजी ने अपने साथ उन पाकिस्तानियों को उड़ा दिया था और हो सकता है कि वहां दुश्मन भी हों। ये बात सुनकर गुरमीत जी ने उससे कहा, अरे दुश्मन की ही तो तलाश है हमें, और वैसे भी हम उन्हें यहां मारने ही आए हैं, हम सब आगे बढ़ेंगे। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ने लगे और सारे जवान भी उनके साथ आगे बढ़े कि तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सामने कुछ हलचल नजर आई। ये देखते ही गुरमीत जी ने सबको पोजीशंस लेने को कहा। कुछ साफ दिखा तो पता चला कि सामने पाकिस्तानी सैनिकों की एक फौज आ रही है। गुरमीत जी ने उन पाकिस्तानियों की रेंज में आते ही फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन ये क्या, पाकिस्तानियों पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। उन्हें गोली तो लगती लेकिन वो गिरकर फिर खड़े हो जाते। ये सब देखकर गुरमीत जी बहुत ज्यादा चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। जब पाकिस्तानी फौज करीब आई तो गुरमीत जी और उनके साथियों ने देखा कि उनकी आंखें सफेद हैं और वे कुछ अजीब सी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ नवनीत की गोलियों का ही उन पर असर हो रहा था और नवनीत अब खड़ा होकर दुश्मन से आमने सामने आकर लड़ाई कर रहा था। फिर गुरमीत जी ने देखा कि दुश्मन की गोलियां नवनीत को भी लग रही हैं, लेकिन उस पर मानो उन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर नवनीत ने वो बात बोली जिसको सुनकर गुरमीत जी और उनके टीम के रोंगटे खड़े हो गए। नवनीत ने गुरमीत जी से कहा कि साहब जिस आदमी ने वो ग्रेनेड की पिन खींचकर पाकिस्तानियों समेत खुद को उड़ा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। मैंने ही इन सबको मारा था और आज भी मैं अकेला ही इन्हें मारूंगा। आप लोग प्लीज यहां से जल्दी चले जाएं। गुरमीत जी ने तुरंत फॉल बैक यानी पीछे हटने का ऑर्डर दिया और वो वहां से जैसे ही भागे एक जोरदार धमाके की आवाज आई और उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ गायब हो चुका था और सूरज भी बादलों को चीर कर आ चुका था और नवनीत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गुरमीत जी और उनके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनके पेट्रोलिंग के अब कुछ ही दिन बचे थे। उन्होंने अपना मिशन जारी किया और जब वो वापस बेस पर पहुंचे तो उन्होंने सबको अपनी आपबीती सुनाई।
लेकिन किसी ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया, बल्कि उनका मजाक बनाया और बात को टाल दिया। लेकिन दोस्तों, सच क्या है ये गुरमीत जी और उनके साथी ही बेहतर जानते हैं कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।